अलवर में 5 मई को भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश रैली के लिए अलवर सांसद बालकनाथ ने कहा कि अलवर सहित राजस्थान में हिंदू धार्मिक स्थलों और विचारधारा को निरंतर निशाना बनाया जा रहा है। सरकार की असफलताओं के चलते विकास कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं। वहीं राज्य सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर टीकाराम जूली ने इसी मुद्दे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कार्यकाल में लगातार महंगाई व बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। डीजल पेट्रोल 100 से ऊपर व घरेलू सिलेंडर 1000 रुपए से ऊपर हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान ने यह तय किया है कि अलवर स्थित कंपनी बाग में हुंकार रैली का आयोजन होगा। यह हुंकार रैली आने वाली 5 तारीख को अलवर स्थित कंपनी बाग में आयोजित की जाएगी। सुबह 9 बजे रैली का समय रहेगा। मेरा आप सबको यह निवेदन है कि बड़ी से बड़ी संख्या में आप सब लोग इस भव्य रैली के अंदर पहुंचकर इस हुंकार रैली को सफल बनाए। इस हुंकार रैली के माध्यम से इस राजस्थान की निरंकुश सरकार को हमें दर्शाना है कि राजस्थान का जो कानून व्यवस्था आज जिस प्रकार से राजस्थान की बिगड़ी है, उस पर ये सरकार ध्यान दे। ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करे और पूरे राजस्थान की समग्र जनता के कल्याण के लिए काम करे। ये राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से राजस्थान की छवि को धूमिल करने का काम पूरे देश और दुनिया में इस राजस्थान सरकार ने किया है, उसको बाज आते हुए राजस्थान सरकार राजस्थान के उसी आभा मंडल को, उसी वैभव को बनाने का काम करे। भाजपा हुंकार रैली निकाल रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कदम मानते हैं, किस चीज की हुंकार भर रहे हैं, क्या काम क्या किए इन लोगों ने? आज मोदी जी ने जो डीजल पेट्रोल है वो 100 रुपए से ऊपर बिकवा रहे हैं, रसोई का सिलेंडर 1000 रुपए का आ रहा है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, देश का जितना भी जो सोना था वो इन लोगों ने बेच दिया, लगातार देश की जीडीपी घटती जा रही है और ये लोग हुंकार रैली राजस्थान के अंदर कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा। पिछले 3.5 वर्षों में आपने कभी नहीं किया, आज पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिकता का रंग आपने इस प्रकार का दे दिया। भाई भाई को लड़ा के आप राजनीति करना चाह रहे हैं, जनता आपको कभी जवाब देगी और आपको कभी माफ नहीं करेगी।